Brothers and sisters, we heard a very needful message. भाइयो बहनो, हमने बहुत ही जरूरतमंद एक वचन सुना है आज. We are all believers and children of God. हम सभी विश्वासी हैं, परमेश्वर के संतान हैं. But sin is the one which makes our life unhappy. परंतु पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को नाखुश बना देती है. No sin will make us happy. कोई भी पाप हमें आनंदित नहीं कर सकता. Sin will give us a feeling that okay, if you do this, you will enjoy. पाप हमें ऐसा एक एहसास दिलाता है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम उस बात से बहुत ही आनंदित होंगे. It always leaves us unhappy. परंतु वो हमेशा हमारी अगुवाई जो है नाखुश की तरफ ही करता है. Because sin is darkness. क्योंकि पाप जो है वो अंधकार है. And brothers and sisters, we heard that God is light. भाइयों बहनों, हमने सुना कि परमेश्वर ज्योति हैं. Remember this, God is light. परमेश्वर ज्योति है. 1 John chapter 1. पहला यूहन्ना पहला अध्याय. When we know that, it'll give a great help. यदि हम उसे जानेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मदद एक मदद होगा. That light means is absolutely pure. वो ज्योति का मतलब ये है कि वो एकदम शुद्ध है. No intention, no thought, nothing which is impure. और कोई भी ऐसा उद्देश्य, कोई भी ऐसा सोच नहीं है जो कि अशुद्ध हो. सो दैट इज गॉड. वही परमेश्वर है. एंड गॉड हैज मेड अस लाइट. और परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया है. वी हु आर लिविंग इन डार्कनेस, हम जो अंधकार में जी रहे थे, बिकॉज ऑफ आवर फेथ इन जीसस एंड आवर रिपेंटेंस, गॉड हैज मेड अस लाइट. हमारे पश्चाताप के कारण, प्रभु यीशु मसीह पर हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर ने हमें ज्योति बनाया. नाउ रिमेंबर, God is light and the devil is what? Darkness. याद रखिए कि परमेश्वर ज्योति है और शैतान जो है वो अंधकार है. Light and darkness cannot have fellowship. और ज्योति और अंधकार के बीच में कोई भी संगति नहीं हो सकती. So God had to make us light so that we can have fellowship with God. और इसलिए परमेश्वर को हमें ज्योति बनाना पड़ा ताकि हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाए. Because Jesus has cleansed us of all our sin. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध कर दिया है. But brothers and sisters, if we commit sin, पर भाइयों बहनों, यदि हम पाप कर देते हैं, some darkness gets into us. फिर थोड़ा अंधकार हमारे अंदर आ जाता है. Can we fellowship with God? फिर हमारा जो परमेश्वर के साथ की जो संगति है वो टूट जाती है. Light and darkness cannot have fellowship. क्योंकि अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं हो सकता. We must understand this very properly. और इसे हमें बहुत अच्छे से समझना होगा. We think that as Kiran said, it's a small sin, you know, some pride. हम सोचते हैं कि जैसे कि भाई किरण ने कहा कि घमंड को लेके हम सोचते हैं कि ये तो बहुत छोटा पाप है. Oh, I think of this brother or sister and I like him. और इस भाई बहन के बारे में सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ. It's always irritating and I have some bad attitude towards somebody. और किसी के प्रति एक बुरा मनोभाव रखना. Just one person. एक ही व्यक्ति. Do you mean, don't we understand that what darkness has entered into us? क्या हमें ऐसा लगता है कि हाँ, अब अंधकार हमारे अंदर आ चुका है? It's only one person. I love most of the people, but only one person I don't like. हम सोचते हैं कि एक ही व्यक्ति है जिसके प्रति मेरा मनोभाव ऐसा है, बाकी सबके साथ तो मेरा सब कुछ अच्छा है. If we understand that God is light, then we will realize that the importance of even that one sin. यदि हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ज्योति है तो वो एक पाप की जो महत्वपूर्णता है उसे भी हम अच्छे से समझ पाएंगे. Brothers and sisters, the more closer we go to the Lord, we'll find that our sins are not what many people struggle with. और जैसे ही हम परमेश्वर के और नज़दीक होते जाएंगे तो हम देख पाएंगे कि जो पाप हम करते हैं वो बहुत सारे लोग उसमें से संघर्ष होकर नहीं गुजरते हैं. A wrong thought. A jealous thought or a proud thought or an unloving thought towards one person. एक व्यक्ति के प्रति हमारे जो प्रेम ना होने का एक सोच, एक गलत मनोभाव, एक जलन, disturbs our fellowship with God. वो हमारे परमेश्वर के साथ की जो संगति है उसे तोड़ देता है. We'll be restless. हम बहुत बेचैन हो जाएंगे. Till that is cleared out. जब तक वो वहाँ से साफ नहीं होता. Because we value fellowship with God. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ की संगति को बहुत मूल्यवान समझते हैं. How many of us value fellowship with God? हम में से कितने लोग परमेश्वर के साथ की संगति को बहुत मूल्यवान समझते हैं? Do we feel sad if we have lost something?
क्या हम कोई चीज को जब खो देते हैं तो हमें दुख होता है उस बात का? Maybe our mobile has got lost. मान लीजिए कि हमारा जो मोबाइल है वो हमने खो दिया. Or our purse has got lost. या तो फिर हमारा जो पर्स है उसे हमने खो दिया. Somebody will take our cash, our ATM, with our ATM card, somebody will cash. We are so much worried. और कोई हमारे पैसे या तो फिर ATM कार्ड वगैरह ले लिया तो हमें बहुत परेशानी होती है उससे. But what about fellowship with God? पर परमेश्वर के साथ की हमारी संगति के बारे में क्या? Are we not bothered about that? क्या उसके बारे में हमें कोई फिक्र नहीं होती? Oh brothers and sisters, that is the most valuable thing. भाइयों बहनों, ये जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है. 24/7 fellowship with God. 2400 घंटे और हफ्ते के सातों दिन परमेश्वर के साथ की संगति होना. You're getting up in the night, you just got a little disturbed and you got up in the night. Fellowship with God is there. जब हम उठ जाते हैं रात को तब भी हमें हमारी परमेश्वर के साथ संगति होती है. So then sin becomes very serious as we heard today. वह तब पाप हमारे लिए बहुत ज्यादा गंभीर होगा जैसे कि हमने आज सुना. And if we want to overcome sin, यदि आप पाप के ऊपर जय पाना चाहते हैं, it is not because we are going to go to hell. ये इसलिए नहीं कि हम नरक की ओर जा रहे हैं. It is not because something bad will happen to us. ये इसलिए नहीं कि कुछ गलत या बुरा हमारे साथ हो जाएगा. If we want to overcome sin, it's only because if we love fellowship with God. यदि हम जय पाना चाहते हैं पाप के ऊपर तो वो इसके लिए हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ संगति में बने रहना चाहते हो. And I'm afraid of the breaking of the fellowship with God, that will make us overcome sin. और परमेश्वर के साथ की मेरी जो संगति है वो टूट जाएगा, इसका डर जो है वो मुझे पाप के ऊपर जयवंत बनाएगा. I hope we have understood this. मैं आशा रखता हूँ कि हमने इस बात को अच्छे से समझा है. If we have understood it, that the overcoming sin will not be difficult. यदि हमने इस बात को समझा हो तो पाप के ऊपर जय पाना जो है हमारे लिए कठिन बात नहीं होगी. Because if we fall into sin, immediately, as soon as we are aware, और जैसे ही हम पाप में गिर जाते हैं और जैसे ही हमें इस बात का पता लग जाता है, we say, Lord, I'm sorry for it. हम कहेंगे प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए. Our heavenly Father has prepared a wonderful provision for us to come back to God. अब हमारे स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए बहुत बड़ी एक सुविधा बनाई है ताकि हम परमेश्वर के पास वापस लौट सके. अदरवाइज वी आर वीक बाय नेचर, वी फॉल एंड डेली वी कैन फॉल इनटू सिन. प्राकृतिक रूप से हम ऐसे हैं कि हो सकता है कि हम प्रतिदिन पाप में गिर जाएं. नाउ व्हेन आई से फॉल इनटू सिन, यू मे थिंक ऑफ डिफरेंट सिंस, बट when we walk with the Lord, I'm talking about in my thought I am falling. और जब हम पाप में गिरने के बारे में यहाँ पे कह रहा हूँ तो आप अलग अलग पाप के विषय में सोच सकते हैं, परंतु जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमारे जो सोच विचार में होने वाले जो पाप है उसमें गिरते हैं हम. I thought that, you know, thoughts was a big issue. तो हाल ही में मैंने सोचा कि जो सोच हमारा जो है वो बड़ी समस्या हो सकती है. But I've come to know that there is another thing which I recently coming to understand is called perception. और एक और चीज जो कि मैंने अभी हाल ही में समझा है, जिसको जिस बात का मुझे समझ आया वो है how we perceive people. हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं. How we perceive things. हम चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें क्या लगता है उसके बारे में. That is a something more deep rooted. और वो ज्यादा गहराई से गहराई की बात है. And because of what we perceive, we have a perspective, very strong words. We look at people in that manner. और क्योंकि हमें ऐसा लगता है तो हम लोगों को उसी नजरिए से देखते हैं. One example. उसका एक उदाहरण. I think it was in John chapter 9 where they saw a blind man. जैसे कि योहन्ना उसके 9वें अध्याय में लिखा है उन्होंने एक अंधे व्यक्ति को देखा. The Pharisees, their impression of this man was that he was born blind because of his sin or his parents' sin. और फरीसियों का सोचना या मानना ये था कि ये जो व्यक्ति अंधा यहाँ पे बैठा हुआ है हो सकता है कि उसके पाप के कारण या उसके माता पिता के पाप के कारण ही वो अंधा हुआ हो. That is their perception. और वो उनका वो नजरिया था वो. And because of their perception, they behaved towards him in that manner. और क्योंकि उनका नजरिया उसके बारे में वैसा था इसीलिए उनका बर्ताव उसकी तरफ उसी प्रकार का था. Now Jesus came. अब यीशु मसीह आए. And he saw this, and when they asked him, is it because of the sin of his or his parents? Jesus said, no, it is for the glory of God. और जब प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने इस बात को पूछा कि क्या इस व्यक्ति के पाप के कारण या इसके माता पिता के पाप के कारण ये अंधा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है. A different perception.
एक दूसरा अलग सा नजरिया. And because of that, Jesus healed him. और उसी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया. Oh brothers and sisters, I am praying, Lord, that let my perception be like how Jesus, how God has perception. और मैं भाइयों बहनों यही प्रार्थना करता हूँ अपने लिए भी, जैसे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर का लोगों के प्रति नजरिया था, वैसा ही मेरा भी नजरिया. Otherwise, I will act according to my perception. I will act in a very different way. नहीं तो मेरे नजरिए के हिसाब से मैं मुझे जैसा चाहिए वैसे बर्ताव करूंगा. I want to encourage all of us that there is hope in Jesus and there is victory in Jesus. और मैं सभीओं को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, हमें प्रभु यीशु मसीह में आशा है और विश्वास है. And there is a fellowship with God all the time. और परमेश्वर के साथ हमारी हमेशा एक संगति है. May God help us to long for that. हमारी परमेश्वर सहायता करे कि हम उस बात की चाहत में बने रहे. Amen. Blessed time that we had today. आज हमने बहुत ही एक आशित समय बिताया. We heard some real meat. और हमने एक मांसाहारी बातों को सुना. The thing that I've realized, and in fact I've spoken to one very godly elder brother. एक बात जिसका मुझे एहसास हुआ है, यहाँ तक कि मैंने एक प्राचीन भाई से इसके बारे में बात की है. एंड ही सेड समथिंग व्हिच आई टोटली एग्री. और उन्होंने ऐसी एक बात कही जिससे मैं बहुत ज़्यादा सहमत हुआ. ब्रदर वाज स्पीकिंग अबाउट सेक्सुअल लस्ट. और वो लैंगिक लालसा के विषय में बात कर रहे थे. एंड फॉर मैन दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. और जो पुरुष होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है. वी हर्ड फ्रॉम ब्रदर ज़ैक दैट यू नो Men have 100 times more sexual desire than women. और हमने भाई जैक से सुना है कि पुरुषों के अंदर स्त्रियों की तुलना में जो लैंगिक लालसाएं होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती हैं. So it is a bigger struggle for men. और क्योंकि ये पुरुषों के लिए बहुत बड़ी संघर्ष की बात हो जाती है. And I've discovered for myself, and even that brother agreed. और मैंने अपने आप से ये पता किया और वो भाई भी इस बात से सहमत हुए. When we conquer this, और जब हम इस बात पर जय पा लेते हैं, it is like going, you know, from Earth's atmosphere into space. वो ऐसा हो जाता है कि हम इस पृथ्वी के वातावरण से जो है आकाश के वातावरण की ओर चले जाते हैं. So really, I mean, I can tell you from my own experience, you know, it gives you lot of joy and lot of peace. मैं अपने स्वयं के अनुभव से कहता हूँ कि ये जो बात है बहुत ही आनंद देता है, बहुत ही शांति देता है. So what about sisters? बहनों के बारे में क्या? Lust does not mean only sexual lust. और जो लालसा होती है वो सिर्फ लैंगिक लालसा ही नहीं होती. Lust simply means a strong desire. और लालसा का अर्थ ही होता है कि बहुत तीव्र एक इच्छा. So it can be a lust to acquire things of this world. हो सकता है कि वो एक ऐसी लालसा हो कि इस पृथ्वी पर की चीजों को कब्जे में लाना. I want this property. मुझे वो संपत्ति चाहिए. I want this dress. मुझे वो कपड़ा चाहिए. There is you know some important event that is going to happen. So even though I know my husband cannot afford it, I will pressurize him to buy that for me. कोई तो एक मुख्य दिन आ रहा है, भले ही मेरे पति वो खरीद नहीं सकते, फिर भी मुझे वो हासिल करना है. So this is also a lust. ये भी एक लालसा होती है. And we must overcome this by the power of the Holy Spirit. तो ये जो आत्मा है, जो लालसा की आत्मा, उसके ऊपर हमें जय पाना है. And we cannot do this in our own strength. हम अपने स्वयं की सामर्थ्य के द्वारा ये नहीं कर सकते हैं. And God does not expect us. और परमेश्वर भी ये नहीं चाहते कि हम अपने आप से करें. The Bible never says that you will deliver yourself. और बाइबल कभी हमें ये नहीं सिखाता कि हम अपने आप को ही आजाद कर पाएंगे. We have to hate it, as Brother Kiran rightly pointed out. जैसे कि भाई किरण ने कहा कि हमें उससे नफरत करनी है. And the most beautiful thing about Christian life is. और मसीही जीवन की बहुत सुंदर सी एक बात ये है. If we are not able to hate it, we can ask the Holy Spirit to bring that hate in us. यदि हम अपने आप से उस बात के लिए नफरत नहीं रख पा रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा से मांग सकते हैं कि वो जो नफरत है वो हमारे अंदर पैदा करे. We can pray like this, Lord, I love this. और हम ऐसे प्रार्थना कर सकते कि प्रभु मैं इसे प्रेम रखता हूँ. Help me to hate it. मुझे मेरी सहायता कीजिए कि मैं उसे नफरत कर पाऊँ. And God will help. और परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे. I've experienced that. मैंने इसका अनुभव किया. I'm not telling you theory. मैं कोई सिद्धांत नहीं कह रहा आपको. It is, you know, our flesh is very weak. देखिए हमारा जो शरीर है वो बहुत ही कमजोर होता है. And we can deceive ourselves, you know.
हम अपने आप को धोखे में भी रख सकते हैं उसके कारण. The devil will help us. और शैतान हमारी मदद करेगा उसमें. As brother also pointed out lightly that we can always ask God to forgive us. और जैसे कि भाई ने हल्की रीति से कहा कि हम हमेशा हमेशा परमेश्वर से कह सकते हैं हमें क्षमा करने के लिए. But I want to focus on this. पर मैं इस बात पर ज्यादा जोर देना चाहता हूँ. That we should never, you know, commit sin saying that I will ask God to forgive me. हमें कभी भी पाप इस तरीके से नहीं करना चाहिए सोच कर कि हाँ इसे करने के बाद मैं परमेश्वर से क्षमा मांग लूंगा. But I don't want anyone to be under condemnation also. पर मैं नहीं चाहता कि कोई भी जो व्यक्ति है वो दोष के अधीन में आए. Even if you have done it like this or we do it in future like this. यदि आपने ऐसा किया हो या आगे जाके आप करेंगे भी. Then also there is hope. तब भी आपके लिए आशा है. Because the Lord knows that we are weak, we are of dust. क्योंकि आप परमेश्वर जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम मिट्टी से बने हैं. And he gives us thousands of opportunities. और वो हमें हजारों मौके देते हैं. So this is not a message of condemnation. तो ये जो संदेश है कोई दोष का या दंड की आज्ञा का संदेश नहीं है. This is a call for the highest life. ये जो बुलाहट है वो ऊंचे स्तर के जीवन की बुलाहट है. That Christ has purchased for each one of us. जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए मोल लिया है. So with that spirit, और उसी आत्मा से, I want everyone. मैं चाहता हूँ कि हर एक जन. Maybe you're new and you know, as Brother Matthew said, you know about perception and thinking, you may feel that you know, oh, this is too high. और हो सकता है कि आप नए हो, जैसे कि भाई मैथ्यू ने जो है हमारे नजरिए के बारे में सुना, सोच के बारे में जो कहा, हमें लग सकता है कि ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बातें हैं. बट दिस इज ग्रेजुअल. परंतु ये धीरे धीरे होता है. वी विल कम टू दैट लाइफ स्टेप बाय स्टेप. हम उस जीवन की ओर कदम ब कदम आएंगे. God will never, you know, put any burdens on us. परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं डालेंगे. You know, when you're a when there is a small child. आप जानते हैं जब एक छोटा बच्चा होता है. So what does the mother instruct her? एक माँ उसे क्या कहती है? Don't put mud in your mouth. और मिट्टी मत अपने मुँह में मिट्टी मत डालना. She cannot instruct that child, you know, to eat with a fork and a spoon. वो अपने बच्चे को जो है एक स्पून से या फोक से खाना खाने के लिए जो निर्देश है वो नहीं दे सकते. That will come. वो आएगा. But it will take time. पर उसके लिए समय लग सकता है. So, you know, I'm really encouraged that we are in a church where we really are seeking for God's highest. और मैं बहुत ही उत्साहित हुआ कि परमेश्वर हम ऐसे ही कलीसिया में जहाँ पे हम परमेश्वर की जो उच्च स्तर का जीवन है उसकी खोज में लगे रहते हैं. So may God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. बहुत जरूरत वचन आज प्रभु ने हमसे बात किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. God spoke to us a very needful message, so I want to thank God for that. मैं यहाँ पर आया हूँ, पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित किया है. I have come here because the Holy Spirit has inspired me. ज़्यादा से समय में पुलपिट के सामने आने के लिए मैं अपने आप को इनकार करता हूँ, लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया यहाँ पर आने के लिए. Many times I discourage myself from coming to the pulpit, but today the Holy Spirit is leading me. कुछ साल पहले मैं एक रेलवे स्टेशन पर खड़ा था. Some years back I was standing on the railway station, at the railway station. वहाँ पर कुछ जो रेलवे में काम करते, जो जहाँ पर लगेज डब्बा में लगेज डालते हैं, वो लोग वजन करके लगेज डाल रहा था कंपार्टमेंट में. I was standing at a place where they were loading the luggage. हर एक एक चीज़ का वजन कर वो लोग कंपार्टमेंट में डाल रहा था. They were weighing each piece of luggage and they were putting inside the compartment. उसका होने के बाद मैं उस वजन मशीन के पास बाजू में खड़ा था. And after that I was standing next to that weighing machine. मैं सोचा कि मैं कुछ वजन करूँ इसके ऊपर. I thought let me put some weight on this machine. So मैं ऐसे एक पेपर का टुकड़ा को फोल्ड कर उस मशीन के ऊपर डाला था ऐसा. I took a small rolled up paper and put it on that. I dropped it on the weighing machine. लेकिन उसके अंदर जो वजन की जो कांटा दिखाई दे वो वैसा का वैसा ही है इस पेपर को डालने के बावजूद. And the needle of that weighing machine didn't move at all even after I dropped this. लेकिन जब लोग वो लोग डाल रहे थे एक किलो दो किलो वो कांटा फट करके घूम रहा था. But when those people were putting whatever 1 kilo or 2 kilo, the needle would just move. मैं ऐसे ही प्रैक्टिकल देखने के लिए सोचा कि इसको डालकर कितना वजन दिखाएगा करके मैं गया वहाँ पर. And I thought okay let me put this and I'll see how much it'll move. लेकिन वो जीरो दिखा रहे. But it was just still showing zero. तो प्रभु से पूछा
मैं मेरा पाप को कई बार ऐसे जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पर वो पाप जैसे नहीं दिख रहे। I said to the Lord, Lord, I'm going to so many, I'm going to places where my sin is not even showing as sin. जैसे कुछ बड़ा पाप मैंने किया। Suppose if I did a big sin. और उस मशीन के पास मैं ले जा रहा हूँ, शायद उस पाप का कुछ कीमत या कुछ वजन हो। And I'm going to a machine that it will show the weight of that sin. तो कई बार हम ऐसा चीज के पास नहीं ले जाते हैं, हमारा पाप का छोटी-छोटी चीज का गिनती करें। Sometimes we are not going to a machine which will even take into account our small small sins. प्रशांत ब्रदर को जानता है, अगर इसको सोने की कांटे में डालेंगे इसको कितना मिलीग्राम्स के वजन होगा? Brother Prashant would know that if he put this paper on a weighing scale which measures gold, how much it will show. मेरी पाप को ऐसा मशीन के पास ले जाना चाहता हूँ मैं जहाँ पर छोटी चीज को भी वजन कर पाए। I want to take my sin to such a machine which will even show even the smallest sin. Brothers and sisters, नया करार में एक दृष्टांत है, Acts chapter 5:1-10, घर पे जाकर पढ़िए। अननियास सफरिया प्रेरितों के पैरों के पास कुछ रकम लाया। Brothers and sisters, there's an example in Acts chapter 5 about Ananias and Sapphira when they brought some offering before the disciples. My brothers and sisters, वो लोग अपने मुंह भी नहीं खोला, लेकिन जानते हैं हम अनन्या वहीं पर वहीं प्राण छोड़ दिया। And before he even opened his mouth, there itself he was slain. जानता है सारी कलिशिया में जहाँ पर लोग सारे कलिशिया में बैच आ गया। The whole church, the fear fell on the whole church. ये जानने के बाद उनकी पत्नी आई कुछ देर के बाद। And after some time, his wife came. वहाँ पत्रस खड़ा था। And there Peter was standing. शायद वो सोचता होगा कि अभी ये तो सच कहेगी। And he thought at least now she will speak the truth. उसने भी अपने मुंह झूठ से उसने कबूल झूठ कहा, उसने भी झूठ कहा। And she also didn't accept and she spoke lies. My brothers and sisters, हम बाहर से हमारा शायद हम ये पाप किया करके बोलेंगे नहीं। Maybe brothers and sisters, we may not speak with our own mouth that we have committed such a sin. जैसे अनन्या सफरिया अपने मुंह भी नहीं खोला, हमने ये किया करके, लेकिन वहीं पर वो लोग प्राण छोड़ दिया। Just like Ananias and Sapphira, they didn't even open their mouth and they were killed then and there. धन्यवाद कि परमेश्वर आज हमें निंदा में नहीं रखना, कंडम नहीं करना चाहते। Praise God that God is not going to keep us in any sort of condemnation. हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। But we can see how much God loves us. एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 John chapter 2 verse 1. So यहाँ पर लेखक कहता है कि सबसे अपने लोगों को प्रोत्साहन करता है कि सबसे पहले आप पाप ना करो। Here John is encouraging that first of all don't sin. कोई पढ़े 1 John chapter 2 verse 1. 1 John chapter 2 verse 1. सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह। सो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले वो पाप करने के लिए वो प्रोत्साहन नहीं करता है कि वो कहता है कि पाप मत करो सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही एनकरेजेस देम दैट डू नॉट सिन। इन केस आपसे पाप हो गया एंड इफ यू हैव सिन, सो आपको निंदा में रहने की जरूरत नहीं। आप हमारे पास एक एक, एक परमेश्वर हमारे बीच में एक मध्यस्थ यीशु मसीह खड़ा है, धर्मी है जो। And if we sin, we shouldn't be in condemnation because we have an advocate in Jesus Christ. ये 3.5 वर्ष में यीशु मसीह ने पापियों को प्रति जो दिल दिखाया, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। In Jesus's 3.5 years of ministry, we saw his heart for the sinners. जो जितने भी लोग उनके सामने पापी लोग दिखे, उनको क्षमा कर दे गया। And whoever was a sinner and came in front of him, Jesus just forgave them. जब कभी वो क्षमा करने के बाद कहने लगा कि आगे से पाप ना करना। And whenever he would forgive them, he would say, "Go and sin no more." So my brothers and sisters, इस वचन को हम गंभीरता से लेंगे। Brothers and sisters, let us take this word with seriousness. So मेरे छोटी पाप को मैं ऐसे जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पर मेरा गिनती कर सके ऐसा मशीन के पास। I want to take my sin to a machine which is so sensitive, which will show the weight of every small sin. ना कि रेलवे स्टेशन कर जो मशीन है वहाँ पर नहीं है। And not to the weighing machine like which is there in the railway station. प्रभु आपको मदद। God bless you. जो कुछ भी सुना मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और
जैसे हमने सुना कि पाप के विषय में सो यीशु मसीह का एक स्टेटमेंट जो जॉन 14:15 में लिखा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरे बातों को मानोगे। सो ये मैं देखा कि मेरे खुद के जीवन में कि हम जब परमेश्वर से प्रेम करोगे ये प्रेम हमको हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए हमको रोकेगा, हम पाप से नफरत करेंगे, ये प्रेम है। और आप पूछोगे ब्रदर मेरे अंदर प्रेम भी नहीं है तो मैं हम प्रेम को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट परमेश्वर हमको हमारा आत्मा परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हमारे अंदर डालेगा ताकि हम उससे प्रेम करें। यू नो हम बहुत सारा डिसो भी इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। एक चीज़ में एक वचन बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ, आई होप ये, और परमेश्वर हमको दोष नहीं लगा तो मेरे प्रिय भाई वो हमको एनकरेज कर रहे हैं कि हमको हायर लाइफ में आने के लिए। इब्रू चैप्टर 4 में इसमें हम देखते एक वचन मेरा मन में आया, उसमें लिखा 4:15 हिंदी में पढ़ सकते हैं। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जो यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में और हमारे साथ दुखी ना हो। जब हम पाप में गिरते या निर्बल हो जाते तो ऐसा नहीं बता रहे कि वो हमारे साथ जिस तरह हम दुख होते ये परमेश्वर यीशु मसीह भी दुख होता है और वो समझते हमारा फीलिंग हमारे दर्द को हमारे तकलीफ को कि विजय तो क्या फील कर रहे इस टाइम पे ये पाप में गिरने के बाद। यू नो हम जब क्या हमको एक एक टेस्ट है हमारे जीवन में कि हम पाप उसको कंटिन्यू करना चाहते। साल में जैसे मैं बोला था कि साल में अगर आपको बोलेगा एक पाप आपको करने मिलेगा तो आप करोगे क्या? यू नो रिसेंटली मेरे को एक एक ऑफर आया था एक झूठ बोलने के लिए। अगर ब्रदर आप एक क्रेडिट कार्ड के लिए मेरे को फ़ोन आया था, वो बोले थे कि आप एक झूठ बोलो, तो झूठ ये था कि आप बोलो कि आपका ऐसा ऐसा कंपनी है ये है, खाली आपको वेरिफिकेशन कॉल में एक झूठ बोलना है। मुझे पता है कि मैं एक झूठ बोलूँगा मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ टूट जाएगा, एक झूठ। तो उस टाइम पे मैं उसको बोला उसको वो मुझे बार बार ये कर रहा था कि अरे ब्रदर आप भाई आप बोल दो खाली आप एक झूठ तो बोलना है खाली। मैं उस टाइम पे मैं बोला भाई मैं क्रिश्चियन हूँ मैं झूठ नहीं बोल सकता उसको बोला। उसको मैंने बोला कि मैं क्रिश्चियन भी नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे उसके ज़्यादा आगे नहीं बता सकता। मैं बोला कि फिर ठीक है बोला मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, वो रख दिया। बट एक झूठ या जैसे मैंने बोला कि एक चीज साल में एक बार हमको मौका मिलेगा कि हम पाप करें कि हम पाप करेंगे से आप बैठ कर सोच के देखो क्या हमारा मन कैसा लगता है। नहीं यार मुझे पाप करेगा तो ये अच्छा लगेगा या नहीं करेगा तो नहीं मैं परमेश्वर मुझसे खुश रहेगा। आप बैठ कर सोचो तो यहाँ पर लिखा है कि वो अगर गिर भी गया तो परमेश्वर दुख होता है और तुमको एनकरेज कर रहा है आगे। यू नो वो एनकरेज कर रहे हैं एग्जाम्पल देकर कि वो हमारे ना ही परखा तो गया मतलब टेस्ट हो रहे हमारे जीवन में टेम्पटेशन आ रहे हैं, यूथ में टेम्पटेशन आ रहा है अरे लस्ट करो व्यभिचार करो ये करो वो करो अलग अलग। बट वो लिखा है कि वो पाप में परखा तो गया बट वो पाप निष्कलंक निकला पाप नहीं किया। ये मुझे बहुत चैलेंज लगा लॉर्ड मुझे ऐसा लाइफ जीना है मेरे अंदर एक थर्स्ट और एक भूख आया प्रभु मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ। जब मैंने ये पढ़ा कि और मैंने यहाँ पर पता है यीशु के बारे में कोट कर रहे हम अपना नाम भी डाल सकते विजय हैज बीन टेम्प्टेड इन ऑल थिंग एज वी आर येट विदाउट सिन। हम अपना नाम डाल के हम बोल सकते हैं प्रभु मुझे प्लीज़ ऐसा मैं ऐसा जीसस जैसा परफेक्ट नहीं हूँ बट मेरा जो डिज़ायर है लॉन्गिंग है प्रभु मुझे ऐसा बनना है। और यही चाहता है कि मेरे प्रिय भाइयों हम परफेक्ट नहीं है हम गिर सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमको ग्रेस देगा उठाएगा। और डिस्करेज मत हो ये डिस्करेज ये मैसेज डिस्करेज के लिए नहीं अरे यार मैं ऐसा जीवन नहीं जी रहा हूँ आप नहीं जी रहे हो पता है परमेश्वर को पर परमेश्वर चाहता है कि आपको हेल्प करे परमेश्वर चाहता है कि आपको हेल्प करे वो जो जीवन जिस तरह जी रहे उससे थोड़ा ऊपर आओ उठ जाओ ऊपर अब परमेश्वर हमको हेल्प करेगा। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने इस तरह हेल्प किया आमेन। What I heard, it's so encouraging, and I was thinking that I'm so blessed to be in a place where I can hear such words.
आज मैं जो वचन सुनी मैं उससे बहुत ही प्रोत्साहित हुई और मुझे बहुत आनंदित हुआ कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे इन संदेशों को मैं सुन पा रही हूँ. जस्ट लाइक वी हर्ड दैट यू नो देयर इज अ प्लेजर इन सिन एंड बट इट्स अ फ्लीटिंग प्लेजर. और जैसे कि हमने सुना कि पाप में आनंद होता है पर वो गुजर जाने वाला एक आनंद है. एंड आई वाज रिमाइंडेड ऑफ अ वर्स इन प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 एंड वर्स 17. इट सेज मुझे वचन याद आया नीति वचन 20वां अध्याय उसका 17 वचन. इट सेज ब्रेड ऑब्टेन्ड बाय फॉल्सहुड इज स्वीट टू अ मैन बट आफ्टरवर्ड हिज माउथ विल बी फिल्ड विद ग्रेवन. नीति वचन 20 उसका 17. चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है परंतु पीछे उसका मुंह कड़वे से भर जाता है. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग देयर इज सो मच ऑफ प्लेजर इन सिन बट द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इट इज नॉट गुड. पर मैं सोच रही थी ये बात कि पाप में आनंद तो होता है परंतु उसके बाद का जो उसके ऊपर असर पड़ता है वो अच्छा नहीं होता. एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 4. दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसके 4 वचन के बारे में भी मैं सोच रही थी. एंड इट सेज दैट द फर्स्ट वर्स सेज बट रियलाइज दिस दैट इन द लास्ट डेज डिफिकल्ट टाइम्स विल कम एंड देन इट गोज ऑन टू सी एट द एंड ऑफ द वर्स. फर्स्ट इट्स इन द सेकंड वर्स इट सेज फॉर मैन विल बी लवर्स ऑफ सेल्फ लवर्स ऑफ मनी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड द फोर्थ वर्स सेज लवर्स ऑफ प्लेजर rather than lovers of God. और पहले वचन से यूँ कहा गया है पर ये जान रख कि अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी लोभी होंगे. और आखिरी वचन में हम 4 वचन की तरफ आखिरी भाग में देखते हैं कि वे सुख विलासी के चाहने वाले होंगे. सो when I had read this verse that lovers of pleasure more than lovers of God, so I was just thinking that God, there is so much of pleasure that we can get from God, but instead of that, like the verse which says that you know at thy right hand there are pleasures forevermore. जैसे कि मैं इस वचन को पढ़ रही थी सोच रही थी इसके बारे में जैसे कि और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के वे प्रेम के चाहने वाले होंगे तो मैं ये सोच रही थी कि परमेश्वर के पास बहुत ज्यादा आनंद होता है. Instead of that we go to pleasures thinking those things will last but those will just be like gravel in our mouth. पर उसके बजाय परमेश्वर के सुख विलास के बजाय हम जो है दूसरे इस दुनिया की सुख विलास की ओर चले जाते हैं पर वो हमारा उसका अंत जो है अच्छा नहीं होता. एंड इंस्टेड ऑफ दैट इफ वी लव गॉड यदि उसके बजाय हम परमेश्वर से प्रेम रखें दैट बेसिस ऑफ एवरीथिंग इज लव लाइक ब्रदर वाज शेयरिंग और उसका सारा जो बुनियाद जो है वो प्रेम है जैसे कि भाई ने बांटा. व्हेन वी हैव लव इन आवर हार्ट्स देन एवरीथिंग एल्स यू नो सीम्स लाइक नथिंग. और जब हमारे हृदय में प्रेम हो तो बाकी सब कुछ हमें कुछ लगता नहीं है. इट्स लाइक आई वाज रीडिंग अबाउट हाउ द मैथ दैट पॉल हैड वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द मैथ दैट वी हैव. और जैसे कि मैंने ये पढ़ा था कि परमेश्वर के पास जो गिनती है गणित है वो हमारे गणित से अलग है. दैट ही कुड पॉल कुड काउंट समथिंग दैट वाज गेन फॉर हिम एज लॉस. और पौलोस जो है उसको ऐसा समझ पाया कि उसके लिए जो उपयोगी हो सकता है उसने उसको जो है हानि समझा. सो वी नीड टू सी थिंग्स लाइक दैट दैट ऑल दैट इज ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन वी लव द लॉर्ड देन एवरीथिंग एल्स विल बिकम लाइक नथिंग. और जैसे ही इस बात को हम याद रख सकते हैं जब हम परमेश्वर को उस समान प्रेम करते हैं तो बाकी सब कुछ हमें कुछ लगता ही नहीं है. एंड दैट लव कैन ओनली कम थ्रू द होली स्पिरिट. और वो प्रेम जो है सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकता है. एंड आई नीड दैट लव. आई प्रे दैट द लॉर्ड्स होली स्पिरिट विल पोर आउट हिज लव इन माय हार्ट दैट आई कैन लव जीसस मोर देन एनी ऑफ दीस थिंग्स दैट यू नो एवरीथिंग एल्स बिकम्स एज नथिंग फॉर मी. और मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे हृदय में वही प्रेम को उंडेले कि वो प्रेम से मैं भर जाऊँ ये दुनिया की बाकी सारी चीज़ों जो है उस प्रेम के सामने मुझे कुछ ना लगे. या दैट लव फॉर जीसस दैट जीसस बिकम्स रियल टू मी एवरी डे ही इज वॉक विद हिम इज क्लोजर एंड मोर ब्यूटिफुल एंड वंडरफुल. और प्रभु के साथ की मेरी वो प्रेम जो है प्रभु के साथ की मेरी रोज चलना जो है और ज़्यादा सुंदर जो और ज़्यादा अद्भुत और ज़्यादा नज़दीक की होते जाए. That's what even God desired. He said, even in the Old Testament, He said, love the Lord your God with all your heart, all your strength, with all your might.
और वैसे ही पुराने नियम में भी एक देखते हैं वचन को कि परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर से पूरे हृदय से पूरे सामर्थ्य से पूरी शक्ति से पूरे सब अपने सब कुछ से प्रेम रखें. इट्स सो मच मोर देन जस्ट कीपिंग कमांडमेंट्स. व्हेन देयर इज लव इन आवर हार्ट्स एवरीथिंग एल्स विल सीम एज नथिंग. जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम होता है तो वो हम आज्ञा हम जिस तरीके से आज्ञाओं से आज्ञाओं का पालन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा अधिक वो समझा जाता है और परमेश्वर के प्रेम के सामने बाकी सब कुछ हमें कुछ लगता नहीं है. दैट लव इज व्हाट गॉड हैज फॉर अस एंड वी शुड लेट एवरीथिंग एल्स गो एंड लव हिम लाइक दैट. और वही परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे लिए रखा हुआ है और हमें जो है परमेश्वर के उस प्रेम की ओर आगे बढ़ना है.